नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 दिसंबर की फिजिकल रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, जो फिजिकल यहाँ पर चल रहा है, जिसमें रनिंग हो रही है, दोस्तों रनिंग में विद्यार्थियों का यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल होता नज़र आ रहा है। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि सफल हो पा रहे हैं, बाकी सभी विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी ऐसे हैं जो निर्धारित समय में दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपका भी दौड़ अभी होनी है तो दोस्तों आप बिल्कुल नियमित प्रैक्टिस करते रहिए, शांतिपूर्वक प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपकी जो रनिंग रहे वह आप में को क्लियर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं एक न्यूज़ पर, जिसमें यह बताया गया है कि आज जो फिजिकल हुआ है उसमें क्या क्या घटनाएं घटी हैं और क्या क्या उसमें हुआ है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल शिक्षा एकेडमी में नए हो तो प्लीज़ आपके अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया अपडेट या वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं कि आखिर जो आज फिजिकल हुआ है उसमें आज क्या क्या हुआ है। तो हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं दोस्तों यू न्यूज़पेपर की। दोस्तों यह जो न्यूज़ है आई है, जो ये दोस्तों दैनिक जागरण की न्यूज़ है, दोस्तों इसमें कहा गया सबसे पहले हेडलाइन ही है इसमें, यूपी पुलिस भर्ती की 4.8 किलोमीटर दौड़ में हाँप रहे हैं अभ्यर्थी। यानी कि दोस्तों अधिकतर विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 4.8 दौड़ है जो निर्धारित समय है 25 मिनट में कम्प्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और दोस्तों वह बहुत बहुत बुरी तरह से हाँप जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, किसी को चक्कर आ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, कोई गिर जाता है, लेट जाता है, कुछ भी, लेकिन कुछ ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि निर्धारित समय में अपनी दौड़ कंप्लीट कर पा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार सुबह करीब 9 बजे दौड़ के लिए पहला बैच तैयार किया गया, ले आज ही सोमवार आज सुबह 9 बजे दौड़ के लिए पहला बैच तैयार किया गया, जिसमें 200 अभ्यर्थियों शामिल किए गए, जिसमें कितने केवल 200 अभ्यर्थी शामिल किए गए। और दोस्तों दोपहर करीब 12:30 बजे तक 200 अभ्यर्थियों के 3 बैच दौड़ाए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 मिनट में 400 मीटर के 12 राउंड लगाने थे, कितने 400 मीटर के 12 राउंड लगाने थे, कितने 25 मिनट में। तो दोस्तों और देख लेते हैं जो हालत यहाँ पर थी बहुत ही बुरी हो रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये बता रहे हैं जो जागरण संवाददाता, कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 4.8 किलोमीटर की दौड़ पास करने में अभ्यर्थी हाँप रहे हैं। यह नहीं कि दौड़ में आखिरी चक्कर में फिशिंग्स पॉइंट तक पहुँचने से ही पहले लड़खड़ाकर गिर जाते हैं, दोस्तों मैंने कहा हाँप रहे हैं, गिर जाते हैं, चक्कर भी आने लगते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी यहाँ पर दौड़ने के लिए पहुँचे हैं। दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों की हालत ख़राब हुई तो चिकित्सकों की टीम उनका प्राथमिक उपचार वहाँ तुरंत किया, जिस विद्यार्थियों को भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है उसका उपचार तुरंत वहाँ जो मेडिकल स्टाफ रहता है वह तुरंत उसका इलाज करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों आगे देखते हैं, पुलिस लाइन परिषद में सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों के कागज का वेरिफिकेशन करने के बाद उनकी नापतोल की जा रही है, और दोनों प्रक्रियाओं पास होने के बाद ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन डाटा रुकड़ी रोड स्थित छठी वाहिनी PSC में पहुंचा जा रहा है, ठीक है, जहां पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारी ACM ब्रह्मपुरी सुनीता सिंह और दोस्तों जो भी यहां पर मौजूद हैं वह यहां पर जो है वह क्या रनिंग करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जिसमें से 200 अभ्यर्थी शामिल हुए। दोपहर जो पहला बैच है उसमें 200 अभ्यर्थी शामिल हुए, और दोपहर 12:30 बजे तक 200 अभ्यर्थियों के 3 बैच पुरुष अभ्यर्थी के लिए 25 मिनट 400 मीटर के 12 राउंड लगाए गए। दौड़ का निर्धारित समय सिर्फ पास के लिए है, कुछ अभ्यर्थी दौड़ के बीच में कुछ 11वें और कुछ 12वें राउंड में गश्त खाकर गिर गए। ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो फिनिशिंग पॉइंट को पार कर पास तो हो गए मगर लड़खड़ाकर वह बेहोश भी हो गए, उनके लिए दोस्तों जिला अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कर दिया गया है। डॉक्टर ने दोस्तों यहाँ बताया कि जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं वह स्वस्थ हो सकें, जल्दी से जल्दी उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकें।
तो दोस्तों यदि आपकी दौड़ कंप्लीट नहीं हुई है, यदि आपकी दौड़ होना बाकी है, तो आप बिल्कुल नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहिए सुबह और शाम, ताकि आपके साथ जो हो रहा है, जो जो फिलहाल इन विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, वो आपके साथ ना हो, और आप अपनी जो दौड़ है 4.8 किलोमीटर बाय निर्धारित समय यानी कि 25 मिनट में कंप्लीट कर सकें। दोस्तों यदि आपके पास प्रैक्टिस रहेगी तो आप आसानी से इतनी दौड़ कंप्लीट कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको यदि सफलतापूर्वक अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है तो आप बिल्कुल नियमित प्रैक्टिस करते रहिए, जितना भी आपके पास टाइम हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का, आप बिल्कुल नियमित धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। वहाँ जाकर अपना पूरा फोर्स बाद में लगा दीजिए, ठीक है। इस वजह से जैसा भी होगा आप आसानी से अपनी जो रनिंग रहेगी वह क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो अब यहीं पर होता है समाप्त। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो आप अपना चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।